2024 को लेकर आप लोगों का क्या मूड है, क्या सोच रखा है? जी एक और एक ओनली मोदी भाई, मोदी जी कोई है ही नहीं टक्कर में। अरे राहुल गांधी जी इतना आ रहे हैं बिल्कुल जोर शोर से, क्या लगता है? अरे क्यों मजाक करवा रहे हो देश के साथ? मजाक नहीं करवा रहे हैं भाई, वो तो देश को बचाने की बात कर रहे हैं, मजाक की बात कर रहे हैं। वो देश बचाएगा बिल्कुल, वो बोल रहे हैं मोदी हटाओ संविधान बचाओ, मोदी परिवार बचा रहा है। अच्छा वो देश कहाँ बचाएगा, अपना परिवार बचा रहा है। देश की उसके बस की बात नहीं है, अभी घूम रहा है ना टायर वाला सूट के सर पे लेके, अभी तो पता नहीं थोड़ी देर रुक जाओ कहाँ का चक्कर काटेगा। अभी एक चीज और बताने, जो जगह जगह जा रहे हैं लोगों के पास, कारपेंटर के पास जा रहे हैं, कहीं किसानों के पास, इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा उनका? हाँ जनता का मनोरंजन बढ़िया होगा, इससे और कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। मनोरंजन बढ़िया हो रहा है जनता का। तो मोदी जी की क्या इतने काम अच्छे लगे, आप लोग दीवाने होंगे जी? काम कौन सा खराब उसका ये बताइए आप मेरे को। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, रोजगार नहीं, बड़ा महंगाई महंगा, अरे तो थी लेकिन बढ़ती जा रही, तो क्या है भाई अभी बढ़ती जा रही ना जी? हमें तो नहीं लगता ऐसी बढ़ रही है कुछ, ऐसा है ही। 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया, 150 में दाल हो गया, 80 रुपए में टमाटर, 150 में हो गया। और ठेकेदार दो को इस अच्छा चाहा जनसंख्या को हमें ठगने के लिए उद्योगपति और ठेकेदार दोनों बैठा दिए। अच्छा ये इन्हीं की मेहरबानी है मोदी जी की। अच्छा नहीं, पहले तो सब नहीं नहीं हर सरकार महंगाई कंट्रोल करना जानती है। स्टॉक लिमिट जो केंद्र सरकार में लागू थी पुराने समय, वो इन लोगों ने हटाई, उसका उस धारा को ले आए, स्टॉक लिमिट खत्म कर दी। नहीं फिर वो जो अटाई लगाई, वो पैसा कहाँ लग रहा है? वो देश में ही तो लग रहा है, बॉर्डर देश को छोड़ो, मैं क्या कह रहा हूँ उस चीज को तुम समझ नहीं रहे, कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं? अब बोल कहाँ से रहे हम, ये कह रहे हैं पहले स्टॉक लिमिट लागू थी देश में, इतने से ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकते। इन सरकारों ने उस कानून को खत्म किया और वो स्टॉक कर लेते हैं और बाजार में उन चीजों को नहीं आने देते, और जब महंगाई हो जाती है बाजार में तो वही आदमी अपने स्टॉकों को बाजार में बेचते हैं। आप क्या चाहते हैं 2024 में क्या होना चाहिए? यूरिया नहीं मिलती थी, वो भी नहीं बोल ना, यूरिया अभी चालू हुआ है। 2024 को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, क्या मूड है 2024 को लेकर? परिवर्तन चाहिए, थोड़ा परिवर्तन चाहिए, क्योंकि अब मतलब ये तो बोल मोदी जी तो बोल रहे हैं लाल किले पे चढ़ करके कि 2024 में फिर हम आएंगे यहाँ तिरंगा ले रहेंगे, 15 अगस्त पे बोलते हैं, तो क्या लगता है आपको? अब वो तो जनता के ऊपर है क्या कहती है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो भाई मतलब परिवर्तन चाहते हैं। अच्छा एक चीज, परिवर्तन में किसको प्रधानमंत्री का रूप देखेंगे आप? कई सारे चेहरे, नीतीश बाबू, ममता जी, अखिलेश जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका जी, किसको आप प्रधानमंत्री का रूप देखेंगे? कोई चेहरा तो होगा फिर सर? हाँ ये तो है, हम लोग देख रहे हैं राहुल गांधी को देख रहे हैं, नव युवक है, हम लोग सबका संपर्क रहेगा, काम अच्छा करेंगे, नई सोच के साथ आएंगे। एक इतने साल बैक रहे हैं 10 साल, तो समझ में आएगा मैंने किस कारण से पीछे गया था मैं। विपक्ष वाले तो ने पप्पू बोलने, तो क्या लगता है? अरे बोलने से किसी को थोड़ा ही हो जाता है, बोलने तो कुछ भी बोल देते हैं। अच्छा हाँ परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन जरूरी है। तो क्या इस मोदी सरकार में क्या आपको अच्छा नहीं लगा जो आप परिवर्तन चाह रहे हैं अभी? एक तो बेरोजगारी मुद्दा, महंगाई थोड़ी ज्यादा है, महंगाई बढ़ी है तो लोगों की दहेड़ी भी बढ़ी, लोगों की कमाई भी बढ़ गई है, लोग ऐसा बोल रहे हैं। कहाँ बढ़ गई, मतलब जो मध्यम नीचे वर्ग का लोग है बहुत बहुत ही परेशान है उनसे। हाँ और क्या, बहुत ज्यादा बेरोजगारी तो उसमें टॉप पे आ गई है, यहाँ पे कोई है नहीं। 2005 में देख रहा हूँ 15-16 के बाद से कोई वाला। अच्छा एक चीज आपको बेरोजगारी की बात बताया थे, उत्तर प्रदेश की बात बताया, जब उनकी मायावती जी की सरकार थी तो 5 साल में 95,000 नौकरियां निकली थी, अखिलेश जी की सरकार में 2 लाख नौकरियां निकली थी, योगी जी के सरकार में 6.5 लाख नौकरियां 6.5 साल में निकली। तो आप बेरोजगारी, आप इसमें क्या निकली होंगे? आप संविदा वाली जोड़ लेते हो, आप संविदा में निकाल रहे हो, हमारी पुलिस ये निकाल रहे हो, और हमारे पास जो आपके पास रुक गई वैकेंसी देख रहा हूँ मैं 3-4 सालों में जो इतना भाग रहा क्या? ये एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इसमें जा ही नहीं रही है, तो अभी शुरू हुआ है हमारा सीजीएल। सीजीएल मेरा 3 साल तक बंद रहा, अभी तक कोविड आज भी शुरू हुआ नहीं, तो बीच अभी बहुत रुक गई, बहुत सी रुकी भर्तियाँ जिसके कारण प्रॉपर चला ही नहीं पाए लोग। और हमारे पास आप देख रहे हैं कि आप हर पेपर मेरा जो जितना हुए सारे टीचर की भी निकली है, टीचर की निकली, शिक्षा में बाहर करने के बाद टीचर की निकली है, तो बेरोजगारी ज्यादा चल रहा है। और क्या, आप सर राहुल गांधी से क्या मतलब, कांग्रेस से क्या मुद्दे रहेंगे, आपको क्या लगता है उनसे? मुद्दे हम लोग यही रहेंगे, नवयुवक को ज्यादा से ज्यादा जॉब दें। 2024 को लेकर के क्या मूड है, क्या लगता है आपको, परिवर्तन होगा कि इस बार इंडिया आएगी कि एनडीए आएगी, क्या लगता है आपको? एनडीए ही है, एनडीए ही है। विपक्ष तो बोल रहा है मोदी भगाओ देश बचाओ, मोदी भगाओ संविधान बचाओ, इसमें क्या लगता है? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा जी, बेरोजगारी महंगाई चरम सीमा पे जा रही है, सभी ऐसे बोलते हैं, बाकी विकास हो रहा है देश का, देश का विकास हो रहा है। आपको कौन से इतने अच्छे काम कर दे मोदी ने आपको, जो आप मतलब इतना बोले? 370 है, अयोध्या निर्माण, राम मंदिर है। हाँ। जो अपने अभी स्वतंत्र घूम रहे हैं ना यहाँ पे आराम से, वो भी इसी में। अच्छा अगर स्वतंत्रता कही जाए तो मोदी सरकार में बहुत है लोग। हाँ काफी अच्छा सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। अच्छा जी, तो 2024 के फिर क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के?
2024 के मुद्दे एक रूपता, वन नेशन वन इलेक्शन से कितना सहमत है आप लोग? क्या संभव हो पाएगा भारत जैसे देश में? अगर होगा तो संभव है, नहीं तो जैसा चल रहा है वैसे चलेगा। अच्छा जी, होना चाहिए, होना चाहिए। राहुल गांधी जी तो यही बोल रहे हैं कि बीजेपी तानाशाह की सरकार है, रिमोंड की सरकार, रिमोंड दबाया, अडानी को सब सौंप दिया, रिमोंड दबाया, अंबानी का लोन माफ कर दिया, रिमोंड दबाया, बिजनेसमैन को विदेश भगा दिया। वो उनकी सोच है, वो कुछ भी सोच सकते हैं। वो उनकी जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो वैसे ही देश को चला रही थी, अब वो भी और चलाएंगे ऐसा अगर वो आते हैं तो। राहुल गांधी जी अब तो जगह जगह जा रहे हैं, कारपेंटर के पास दिल्ली में जा रहे हैं, किसानों के पास जा रहे हैं, कुलियों के पास, जगह जगह लोगों का संपर्क बांध रहे हैं। क्या लगता है आपको उसका प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ सकता है अगर वो चाहें तो पड़ सकता है, बाकी जनता देख रही है। 28 दिनों का महागठबंधन है, आपको लगता है कि मोदी सरकार इसे लड़ पाएंगी? इतने बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं उसमें, वो सब मोदी से लड़ रहे हैं, मोदी उनसे नहीं लड़ पाएगा, मतलब वो सब मिलके मोदी से लड़ रहे हैं। अच्छा, मोदी अकेला है, मोदी अकेला काफी है। अच्छा।